नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों टीडीएस के प्रोविजंस सीखेंगे। एक पूरी सीरीज़ मैं बना रहा हूं जिसमें हम टीडीएस के सभी सेक्शंस को भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, टीडीएस के बारे में पूरी डिटेल्ड। ये एक कोर्स समझ लीजिए आप, ये हमारे तरफ से एक कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हम टीडीएस की हर चीज़ आपको कोशिश करेंगे कि हम बता सकें। TDS, सर ये क्या भला है TDS? हमें कभी समझ नहीं आया, हमें पता ही नहीं ये है क्या। हम तो अभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या BCom के स्टूडेंट्स हैं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे इतना तो आप भी समझदार हो, कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये है क्या। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर हमें इनकम टैक्स नहीं आता तो क्या हमें समझ आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तब भी आपको ये समझ में आएगा, लेकिन बस जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझते जाओ। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, चलिए जी एक एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, जिन भाइयों को जनरल एंट्रीज नहीं आता है तो प्लीज़, मैंने जनरल एंट्री के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप प्लीज़ वो देख के आइए। टैली कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप वो भी देख के आइए। चलिए जी, राम से मैंने कोई प्रोफेशनल फीस ली, कोई मैंने अपनी सीए का बिल बनाया। ये हूँ राहुल और ये है राम। मैंने राम को बोला भैया 1,00,000 रुपये का मेरा बिल है, पैसे निकालो 1,00,000 रुपये। राम बोला रुक जा भाई, पहले मैं अपनी जनरल एंट्री करता हूँ। मैंने कहा अच्छा चल बता क्या जनरल एंट्री करेगा। राम ने करी प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू राहुल 1,00,000, 1,00,000, ठीक है जी। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू राहुल 1,00,000। राहुल मेरा क्रेडिटर, राहुल राम की बुक्स में क्रेडिटर बन गया क्योंकि उसने राहुल की पेमेंट करनी है। अब दूसरी एंट्री, राम मेरे को पेमेंट करना चाहता है, कहता है भैया राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपये। जैसे ही मैंने ये एंट्री करी गवर्नमेंट खड़ी हो गई, भाई रुक जा। मैंने कहा क्या हुआ? राम बोला क्या हुआ, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, राहुल को हमें पकड़ना है इनकम टैक्स में, या हमें देखना है राहुल कितनी सेल काट रहा है। तो मैंने कहा मेरे को क्या मतलब है उससे, तो एक काम कर पूरी पेमेंट राहुल को मत कर, 10,000 रुपये राहुल के नाम के हमें दे दे। मैंने कहा जी अच्छा, फिर इसकी क्या एंट्री करें राम की बुक्स में? राम की बुक्स में अब एक एंट्री हुई, वो तो सेम हुई प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू राहुल 1,00,000, 1,00,000। सेकेंड एंट्री, भैया राहुल को पेमेंट करी लेकिन टीडीएस पेबल की एंट्री करी। ठीक है जी, राहुल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू टीडीएस पेबल 1,00,000। ओ सॉरी 10,000, सॉरी 10,000, पूरा थोड़ी टीडीएस काट दोगे यार, मेरे को कुछ भी नहीं दोगे क्या? ठीक है जी, 10,000, 10,000। सर राहुल को कोई दिक्कत नहीं, राहुल इसमें आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि भैया आपने मेरी पेमेंट पूरी नहीं करी। अब अगली एंट्री, पहले अगली एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री इसमें जो होगी, राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000, 90,000। क्या राम ने तो पूरे पैसे दे दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए, अभी सिर्फ उसने एंट्री बुक करी थी, राम अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल। अब देखिए चौथी एंट्री, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब राम के खाते से 90,000 तो ये गए, 10,000 ये गए, तो राम के खाते से तो पूरे 1,00,000 रुपये पे हो गए। अब राहुल खड़ा हो गया, यार तुमने मेरे खाते में 90,000 दिए, 10,000 कहाँ डाल दिए भाई? तो सरकार बीच में खड़ी होगी, ओए राहुल रुक, 10,000 रुपये हमने उसको बोला था तेरे काटे। मैंने कहा सरकार जी ऐसा क्यों किया आपने? सरकार ने बोला कि वो 10,000 रुपये तेरे इनकम टैक्स में शो होंगे और तू उसका रिफंड ले सकता है अगर तेरा बनेगा तो। मैंने कहा सरकार से ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सरकार कहती है देखो, हम गवर्नमेंट स्कूल चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम डिफेंस संभाल रहे हैं, आप जैसे जैसे पैसा कमा रहे हो ना हमें भी वैसे वैसे पैसा देते रहो ना। आप पैसा जैसे जैसे कमा रहे हो वैसे वैसे हमें भी देते रहो। तो हुआ क्या,
अब एक बात बताइए, मैं आपको ये बोलूं जी आपको मेरे पास जॉब करनी है, आपकी सैलरी है जी 50,000 रुपये महीना, और आप एक काम कीजिए पूरे साल मेरे पास जॉब कीजिए और मैं आपको एक साल के बाद 6,00,000 रुपये दूंगा, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, पूरे एक साल के बाद पैसे नहीं ना, मेरे को घर के खर्चे मीट आउट करने हैं। यही चीज़ गवर्नमेंट बोलती है, भैया हमें भी खर्चे मीट आउट करने हैं, हमें भी मंथली कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे ही सेल काटोगे कुछ पैसा हमें चाहिए। अब TDS किस सेक्शन में कटेगा, कितने रेट से कटेगा, वो सब धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा, ठीक है। मैं ये बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। चलिए जी, ये जर्नल एंट्रीज मैं बाद में आपको दूंगा भी नीचे लिख के, अब हम आगे बढ़ते हैं। वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, इसका पर्पस था इंट्रोड्यूस टू फैसिलिट द पेमेंट ऑफ टैक्स वाइल रिसीविंग द इनकम एंड इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ पे एज यू अर्न। तो दोस्तों क्या था ये कि हमें जैसे जैसे पैसा कमा रहे हैं पे एज यू अर्न, वैसे वैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस देते रहें और गवर्नमेंट उससे रूटीन के अपने खर्चे डे टू डे खर्चे करती रहे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हु इज लायबल टू डिडक्ट TDS, सर ये चीज ना समझ ही नहीं आती, किसको काटना है भाई TDS। देखिए मेजरली TDS और TCS दो चीज है, अभी मैं TCS को अलग कर रहा हूं। TDS हमेशा परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विस, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका क्या मतलब हुआ जी, राम ने सर्विस दी शाम को, शाम को पैसे देने हैं, जिसको पैसे देने होते हैं उसको TDS काटना होता है, किसका, जिसको पैसे जाने वाले हैं। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, गवर्नमेंट कहती है सोर्स से, जहां जिस सोर्स से पेमेंट जानी है ना उसी सोर्स को कह दो TDS काटना है, ठीक है। शाम एक सोर्स है कि भैया तेरे से पेमेंट जानी है तो तू TDS काटेगा, इसको इजी लैंग्वेज के लिए ऐसे करके आप घोटा मार सकते हो, ठीक है। ये घोटा मारने की ट्रिक आज सिखा रहा हूं आपको, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी, TDS किसको काटना है, सर मैंने ना 50,000 रुपए की सेल करी है एक साल में और 25,000 रुपए की परचेज करी, क्या मुझे TDS काटना होगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, आप किस बिजनेस के मोटिव से, किस बिजनेस के मोड में काम कर रहे हो। सर अब ये मोड वोड का क्या चक्कर है, देखिए मोड का क्या चक्कर है, आप किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करने के कुछ तरीके हैं। मेरा नाम है राहुल, मैं अपने नाम से बिजनेस कर सकता हूँ। नंबर टू, मैं अपनी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे बिजनेस कर सकता हूँ। मैं अपनी राहुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता हूँ। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी इससे फर्क पड़ेगा, सर हमने तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा, बट ऐसा है दोस्तों। TDS काटने के रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि देखो अगर कोई बंदा खुद के नाम से काम कर रहा है या अपनी HUF के नाम से काम कर रहा है तो हम उसको कुछ बेनिफिट देंगे कि भैया छोटा बंदा है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा है तो हम उसको उतने बेनिफिट नहीं देंगे जितने बेनिफिट हम एक इंडिविजुअल और एक HUF को देंगे। छोटी कंपनीज को हम बेनिफिट देना चाहते हैं। अच्छा क्या बेनिफिट है सर, अब ये देखते हैं। सबसे पहले क्या और कोई तरीका हो सकता है बिजनेस करने का। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के और भी बहुत तरीके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, याद है बचपन में 11 12th में करा था पार्टनरशिप अकाउंट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स, और भी AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और भी तरीके हो सकते हैं बिजनेस करने, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हम उन सब को दो कैटेगरी में अब डिवाइड कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल प्लस HUF, इन दोनों को एक कैटेगरी दे रहे हैं और अदर्स को दूसरी कैटेगरी दे रहे हैं। सिंपल एज दैट, इंडिविजुअल और HUF आपका स्टेटस है, राहुल गुप्ता इंडिविजुअल के नाम से काम कर रहा है, राहुल गुप्ता अपनी HUF के नाम से काम कर रहा है। यहां पे करते हैं राहुल ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप या कुछ भी और बनाया,
तो गवर्नमेंट कहती है अगर राहुल एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कौन हुआ जी, प्रोफेशनल भी डिफाइंड है, वो हम पढ़ेंगे 194 जे में, CA, CS, CWA, सर ये क्या क्या लिखते जा रहे हो हमें तो पता ही नहीं है। CA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की ROC की मेजरली कंप्लायंसेस करते हैं, CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जो कॉस्ट शीट किसी कंपनी की बनाते हैं, प्लस डॉक्टर्स, लॉयर्स और भी कुछ प्रोफेशनल्स डिफाइंड है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको TDS काटना है। किसका TDS काटोगे, जो भी किताबों में खर्चा डालोगे सर्विस का, मेजरली TDS के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं सर्विस की, गुड्स पे भी एप्लीकेबल है लेकिन वो 194Q सेक्शन है, वो हम अलग से करेंगे सेपरेटली। अभी आप ये मानो सिर्फ TDS हम सर्विस के ऊपर पढ़ रहे हैं। कोई भी मैंने माल ना खरीद के कोई भी सुविधाएं खरीदी मार्केट से किसी बंदे से, जो मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डाल रहा हूं, दोस्तों ट्रेडिंग का अगर ऊपर है तो सर्विस का नीचे आएगा खर्चा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है, वो कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड, लेबर पेमेंट्स, सैलरीज पेमेंट्स, ये ऑल सर्विसेज हैं, उन सब के ऊपर TDS एप्लीकेबल है। सो सैलरी के ऊपर भी TDS एप्लीकेबल है, सैलरी तो सर्विस नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बनती है वो भी एक सर्विस में काउंट होती है। तो जो भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा क्लेम करना है सर्विस का, वो सब पे मुझे TDS काटना है। किसी का कोई सेक्शन है, किसी का कोई सेक्शन है, वो भी हम कवर करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 50 लाख रुपए से ऊपर अगर मेरी सेल है तो चलिए जी, प्रोफेशनल के केस में अभी मैं आपसे एक और क्वेरी पूछता हूं। सर मैंने 1 अप्रैल 2023 को काम शुरू किया, मैं एक CA हूं, एक प्रोफेशनल हूं, मुझे नहीं पता था मेरा टर्नओवर क्या इस साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा होगा या नहीं होगा, मुझे तो लगा था यार 10-15 लाख रुपए की सेल होगी, मुझे TDS काटना ही नहीं है, मैं अपनी मस्ती में काम करता रहा, मैंने ध्यान ही नहीं करा कब मेरी सेल्स या टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई और मुझे टेंशन हो गई कि यार मेरी सेल 50 लाख रुपए से ऊपर हो गई। सर यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है, GST का क्या करोगे, क्या GST सेल्स में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? आंसर इज नो। सेल्स की जब एंट्री होती है, आज हम GST की भी एंट्री करेंगे सेल्स की, या अगर आज लंबी हो गई वीडियो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसमें सेल्स। अब सर सेल्स अगर मेरी, मान लीजिए अभी मैं सिंपल लेके चलता हूं, अभी मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करता, 50 लाख रुपए से ऊपर की मेरी सेल्स हो गई, क्या मुझे TDS अप्रैल 23 से मार्च 24 में काटना पड़ेगा? सर मैंने तो अप्रैल 23 में किसी से सर्विस ली थी और ऑफिस बनाने बनाने में मैंने उसे मदद ली थी और उसको पैसे भी दे दिए, अब मैं उसका TDS कैसे काटूं, उसको ढूंढूं कहां? तो गवर्नमेंट ने कहा रुको, जिस साल आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से एक्सीड हो गया उस साल आपको TDS नहीं काटना, चाहे आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर भी हो जाए। सर ये ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो TDS इंडिविजुअल HUF को काटना पड़ेगा ही नहीं, वो काटना चाहे फर्स्ट डे से वो उनकी कॉल है कि आप काटना चाहते हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने यह बोला कि भैया पिछले साल में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको TDS काटना मैंडेटरी है अगले साल से। मतलब मैंने अप्रैल 23 से मार्च 24 में मान लीजिए 50 लाख की सेल करी, तो मुझे एक अप्रैल 2024 से जो भी मैं परचेज करूंगा सर्विसेज की, उस पे मुझे TDS काटना है। सर ये तो कभी आज तक पढ़ा ही नहीं था हमने, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये TDS का कोर्स करना बहुत जरूरी है, आपको बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमारे चैनल का यही मोटिव है कि एजुकेशन को फ्री रखा जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर ये तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, लॉयर का बता दिया, अगर कुछ और है तो बिजनेस है हमारा, तो दो ही चीजें हैं, या तो बिजनेस या प्रोफेशन हमारे इनकम टैक्स सेक्टर में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यही लिमिट
गवर्नमेंट ने कहा 1 करोड़ तक की सेल है तो कोई टीडीएस आपको नहीं काटना, जिस साल तक आप 1 करोड़ रुपए क्रॉस नहीं करते उससे अगले साल से आपको टीडीएस काटना। फिर वही क्वेश्चन, सर अप्रैल 23 से मार्च 24 में मेरा टर्नओवर हुआ 1 करोड़ 10 लाख रुपए, क्या मेरे को अप्रैल 23 से मार्च 24 में कोई टीडीएस काटने की लायबिलिटी है? आंसर इज नो, आप 1 अप्रैल 2024 से टीडीएस काटोगे। अब हम एक छोटा सा टेबल के थ्रू समझते हैं एप्लीकेबिलिटी यस और नो। ईयर 22-23 में पहले प्रोफेशनल है, ईयर 22 में सेल्स, 22-23 में सेल्स है जी 51 लाख रुपए, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर ए, बी 31, क्या 1 अप्रैल 2023 से टर्नओवर का कुछ यूज है और क्या टीडीएस फर्स्ट डे से काटना ही पड़ेगा? आंसर इज यस। क्या इस साल में टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो। क्या 1 अप्रैल 23 और मार्च 24 में जो मैं टर्नओवर करूंगा उससे क्या मेरे टीडीएस काटने के क्वेश्चन के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने सेल्स 1 अप्रैल 23 से टर्नओवर मेरा चालू हुआ, मैंने पहला बिल काटा 10,000 रुपए, मेरे को खर्चे का बिल आया 5,000 रुपए, क्या पहले रुपए से मेरे को टीडीएस काटना है? और अगर मेरा अप्रैल 23 से मार्च 24 में सेल्स नीचे गिर गया तो क्या मुझे टीडीएस काटना है या नहीं काटना? हाय सर कंफ्यूज कर दिया आपने, दोबारा बताओ। देखिए 1 अप्रैल 2023 से, पहली बात तो अगर अप्रैल 23 से मार्च 24 में मेरा टर्नओवर कुछ भी रहे मुझे फर्स्ट डे से टीडीएस काटना है क्योंकि मेरा 22-23 में 50 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर हो गया एंड आई एम अ प्रोफेशनल। चलिए सर टीडीएस का तो समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, ईयर 1 में तो मेरा टर्नओवर था 51 लाख रुपए, टीडीएस नहीं काटना था। सेकंड ईयर में टर्नओवर आया 25 लाख रुपए, सर मेरा टर्नओवर रिड्यूस हो गया, क्या टीडीएस काटना था? हाँ जी काटना था। थर्ड ईयर में मेरा टर्नओवर फिर से पहुंच गया 50 लाख रुपए, क्या टीडीएस काटना है या नहीं? अल्लाह सर एक बार तो टीडीएस काटना शुरू कर दिया था तो काटते ही रहे क्या? सोचो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है जी, ये तो हो गया जी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब हम करते हैं अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब आइए अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ भी एक बार समझ लेते हैं। अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आपकी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि ऑडिट से मैटर होता है कि ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपकी बुक्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा आपका बुक्स का ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। आंसर इज टोटली रॉन्ग। आप सी टीडीएस के सेक्शंस पढ़िए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। उन्होंने लिखा है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ हैं तो ये क्राइटेरिया है, टर्नओवर का है वहां पे भी, ऑडिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अदर्स में फर्स्ट डे से टीडीएस काटना है, देयर इज नो एग्जेम्पशंस। जिस दिन धंधा चालू करोगे उसी दिन जितनी भी सर्विसेज बिजनेस के लिए लोगे फर्स्ट डे से टीडीएस काटना शुरू करोगे। कई लोगों को लगता है कि जब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं जाएगा उनको टीडीएस उसके बाद काटना है। आंसर इज टोटली रॉन्ग। फर्स्ट डे से टीडीएस काटना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, चाहे टर्नओवर 10 लाख ही क्यों ना हो। टर्नओवर 10 लाख, खर्चे 5 लाख, 5 लाख में से 2 लाख सर्विस का खर्चा है, टीडीएस काटो भैया। बिना टीडीएस काटे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। अगर गलती से इनकम टैक्स में केस लगा तो वो सारा टीडीएस की वजह से आपका खर्चा ही डिसअलाउ हो जाएगा, 30% खर्चा। वो छोड़िए अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेबिलिटी, ऑल असेसिस अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दे, मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, पहले दिन बिजनेस के फर्स्ट डे से आपको टीडीएस काटना है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, इन केस ऑफ बिजनेस एग्रीगेट टर्नओवर अबव रुपीज 1 करोड़ और इन केस ऑफ प्रोफेशन प्रोफेशनल रिसीट अबव रुपीज 50 लाख इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो टर्नओवर,
बिजनेस का या प्रोफेशन का 50 लाख रुपए से ऊपर हो। अब सर ये टीडीएस काटना कैसे है, जमा कैसे कराना है, आइए देखते हैं। अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे स्टाफ ने बना ही दिया, आपका आंसर ही आ गया है। चलिए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। 31 मार्च 21 में एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख था, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। मैं बिजनेस मान के चल रहा हूँ, प्रोफेशन नहीं मान रहा, 1 करोड़ वाला चक्कर नहीं है। 31 मार्च 22 में 1.20 करोड़ का टर्नओवर है, टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं, क्योंकि पिछले साल मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम था। 31 मार्च 23 में क्या मुझे टर्नओवर देखना है? आंसर इज नो। टर्नओवर हो या ना हो, टीडीएस मुझे फर्स्ट डे से काटना है। ठीक है दोस्तों, नहीं आया उसका आंसर, मुझे लगा था शायद क्वेश्चन बन गया। चलिए जी, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर टीडीएस। सर टीडीएस काट लिया, जमा कैसे कराना है और कैसे काटना है, क्या करना है, बताइए ना इसका प्रोसेस। आइए अब हम समझते हैं। अपने साल के 12 महीने हैं, ठीक है दोस्तों। अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल 23 की बात करते हैं, मई 23, जून 23, जुलाई 23, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 24, फेब्रुअरी 24 एंड मार्च 24। हमारी जो किताबें बनती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनती है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं बनती। क्या होना चाहिए दोस्तों, गवर्नमेंट अपनी पेमेंट कब लेगी, इसकी एक डेट है। पूरे महीने टीडीएस काटिए, पूरे अप्रैल महीने, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। गवर्नमेंट कहती है भैया एक काम करना, 7 मई तक टीडीएस की पेमेंट कर देना। दो चीजें हैं, एक तो टीडीएस की पेमेंट और एक टीडीएस की रिटर्न। रिटर्न हम बाद में बात करते हैं, अभी पहले पेमेंट की बात करते हैं। तो मई की क्या डेट होनी चाहिए? 7 जून। जून की 7 जुलाई। जुलाई की 7 अगस्त। अगस्त की 7 सितंबर। सितंबर की 7 अक्टूबर। अक्टूबर की 7 नवंबर। नवंबर की 7 दिसंबर। सर क्या कर रहे हो, ये तो हम भी लिख लेंगे दोस्तों, कुछ आएगा बाद में। दिसंबर की 7 जनवरी। जनवरी की 7 फरवरी। फरवरी की 7 मार्च। मार्च की 30 अप्रैल। मार्च की 30 अप्रैल, ये इसलिए लिखा था मैंने कि आप गलत ना कर दो, ठीक है। तो टीडीएस की पेमेंट सिर्फ मार्च, एक ऐसा महीना है जिसके लिए हमें 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, अदरवाइज सबके लिए हमें महीने के 7 दिन मिलते हैं अगले महीने के, पिछले महीने का टीडीएस जमा कराने के लिए। सर अब टीडीएस की रिटर्न कैसे जाती है ये भी बताइए। चलिए जी, टीडीएस की रिटर्न कैसे जाती है? सर क्वार्टरली रिटर्न जाती है, अप्रैल मई जून की इकट्ठी एक रिटर्न जाएगी, जिसकी डेट है जी 31 जुलाई। अप्रैल मई जून की डेट है 31 जुलाई। जुलाई अगस्त सितंबर की डेट है जी, क्या होनी चाहिए, 31 दिन मिलने हैं या 30 दिन मिलने हैं? जुलाई अगस्त सितंबर, 31 अक्टूबर। ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, 31 जनवरी। सर यहां पे अब मुद्दा आ गया, क्या 30 अप्रैल की पेमेंट की डेट है? क्या 30 अप्रैल की डेट बन रही है सर हमारे हिसाब से? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 1 महीना हम और देंगे, 31 मई, 31 मई 2024 टीडीएस की रिटर्न की डेट के लिए आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिलता है मार्च महीने का। अब आपको प्रोसेस बताता हूं, टीडीएस की पेमेंट हो गई, टीडीएस की रिटर्न चली गई। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि राहुल ने किसी का टीडीएस काटा, मान लीजिए एक्स वाई जेड का, मैंने किसी का टीडीएस काटा, वो बंदा कहता है मैं कैसे मान लूं आपने टीडीएस मेरा जमा कराया है या नहीं कराया है? तो वो मुझसे मांगता है टीडीएस का सर्टिफिकेट, ठीक है, वो टीडीएस का सर्टिफिकेट वो मुझसे मांगता है, वो भी राहुल को जब ये टीडीएस की रिटर्न डाल देगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर टीडीएस का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। 31 जुलाई की अगर टीडीएस की रिटर्न गई है तो 15 अगस्त तक राहुल को एक सर्टिफिकेट निकालना है। अगर राहुल ने वो सर्टिफिकेट नहीं निकाला तो 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है राहुल के ऊपर, कि भैया टीडीएस का सर्टिफिकेट क्यों नहीं निकाल रहे।
ऑल दो प्रैक्टिकली बताऊं ये लग नहीं रही है पेनल्टी। बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर हम तो निकाल ही नहीं रहे। निकाल लो भैया, किसी दिन गवर्नमेंट सख्ती के मोड़ में आई तो पेल देंगी, ठीक है। और अच्छी बात है अपनी कंप्लायंसेस पूरी करते चलो। जब हमें पता है कि 100 रुपए पर डे की लेट फीस या पेनल्टी लगाएगी गवर्नमेंट, तो भैया कर लो ना काम यार। क्या दिक्कत है तुम्हें टीडीएस का सर्टिफिकेट निकालने में और वेंडरों को देने में? तो अब तीन चीजें हो गई, एक क्वार्टर पूरा करते हैं। अप्रैल की पेमेंट 7 जून, सॉरी मई, मई की पेमेंट 7 जून, जून की पेमेंट 7 जुलाई, ठीक है जी। इसकी टीडीएस की रिटर्न जाएगी जी 31 जुलाई को, उसके टीडीएस के सर्टिफिकेट निकलेंगे 15 अगस्त को। ये एक चेन है पूरी की पूरी, ठीक है। 7 दिन मिलते हैं पेमेंट के, 31 दिन मिलते हैं टीडीएस रिटर्न के फ्रॉम लास्ट डेट 30 जून, और 15 दिन रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। आइए अब इसको देखते हैं आगे। When at the time of making such specified payment, जब आप वो पेमेंट कर रहे हो तब आपको वो टीडीएस काटना है। इसमें मैं और बताऊंगा आपको, डिटेल आएगा ये जब हम रेलिवेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझिए। पेमेंट ऑफ टीडीएस अप्रैल टू फरवरी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मार्च मंथ की 30 अप्रैल, ठीक है जी। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न अप्रैल टू जून 31 जुलाई, जुलाई टू सेप्टेम्बर 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर 31 जनवरी, जनवरी टू मार्च 31 मई। 2 महीने मिलते हैं मार्च क्वार्टर में, पता है क्यों? क्योंकि लास्ट जो अपना ये बन रहा होता है ईयर की बुक्स क्लोज होनी होती है, हमें थोड़ा टाइम देना होता है एसएससीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा टाइम देता है एसएससीज को। डाउनलोड टीडीएस सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टर रिटर्न। ड्यू डेट ये है, इसके 15 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट निकालने हैं, 31 जुलाई के सर्टिफिकेट 15 अगस्त तक निकालने हैं। अदरवाइज 100 रुपए पर डे की पेनल्टी या लेट फीस बनी हुई है वो अलग बात है, अभी लग नहीं रही है वो। चलिए जी, टैन, व्हाट इज टैन सर? ये क्या नई नई चीजें बताते हैं, टैन अब कहां से आ गया ये टैन? देखो दोस्तों, टीडीएस काटना है तो राहुल अगर टीडीएस काटना चाह रहा है किसी वेंडर का जिससे उसने लैपटॉप सॉरी सर्विस ली है, तो राहुल के पास एक टैन नंबर होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। दोस्तों पैन और टैन के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा पैन और टैन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप घर में जाइए अपने मम्मी पापा का पैन नंबर वगैरह देखिए, उससे आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। अपना भी पैन देखिए, सबका पैन देखिए। टैन किसको लेना है? टैन राहुल बिजनेस कर रहा है, राहुल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और राहुल को एक बंदा आया जिसने सर्विस दी, सपोज किसी भी चीज की इलेक्ट्रिशियन की सर्विस दी, मान लीजिए 50,000 रुपए की इलेक्ट्रिशियन की सर्विस दी। राहुल को टैन नंबर चाहिए या उस इलेक्ट्रिशियन को टैन नंबर चाहिए? पेमेंट कौन करेगा? राहुल। तो टैन नंबर किसको चाहिए? राहुल को। राहुल प्राइवेट लिमिटेड को टैन नंबर चाहिए। शुड बी ऑब्टेन बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस, दैट इज द डिडक्टर। डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू कोट टैन इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू टीडीएस। एग्जेम्पशन, अरे ये छोड़िए अभी आप, एग्जेम्पशन बाद में करेंगे। ये टैन का एक एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये टैन 49B में अप्लाई होता है, पैन शायद 49A में अप्लाई होता है, मुझे याद नहीं अच्छे से कौन सा फॉर्म था पैन का। ये टैन का फॉर्म है। आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जनरल एंट्रीज भी बताऊंगा, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से बताऊंगा। देखिए अब राहुल ने किसी और से मान लीजिए सीए की सर्विस ली, मान लीजिए ये है राहुल और ये है श्याम, ठीक है जी। राहुल ने श्याम से, श्याम इज ऑल्सो ए सीए, राहुल ने श्याम से सीए की सर्विस ली, खर्चे का बिल आया, तो पहली एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मान लीजिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी का बिल लगा रहा है, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू श्याम, मान लीजिए 1 लाख, मान लीजिए 10,000 रुपए का जीएसटी है, 1,10,000 रुपए। टीडीएस किस पे कटेगा? 1,10,000 का बिल है और 1,00,000 रुपए का खर्चा है, टीडीएस 1,10,000 पे काटू या 1,00,000 पे काटू? पहला क्वेश्चन ये। दूसरी चीज चलिए इसका आंसर ही बता देते हैं, पहले इजी रहेगा। टीडीएस कटेगा जी
इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे जो टीडीएस के सेक्शन है वो सब कहते हैं यानी इनकम पेड के ऊपर टीडीएस काटना है, और जीएसटी का टैक्स है वो किसी की इनकम नहीं होती, दिस इज नॉट एन इनकम। ये तो उसने मुझसे लेना है और गवर्नमेंट को एज इट इज जमा करा देना है, तो इसके अंदर कोई खर्चा वर्चा वो इनकम तो बनी नहीं ना उसकी। मैंने उसको 10,000 रुपए दिए, उसने एज इट इज गवर्नमेंट को जमा करा दिए, तो फिर टीडीएस कटेगा 1,00,000 रुपए के ऊपर। टीडीएस बना जी मान लीजिए 10% टीडीएस है, 10% नहीं रखते हम इसको, 5% रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है जी। 5% हुआ 1,00,000 का, 5% 5,000 रुपए। सेकेंड एंट्री क्या हो गई जी, मैंने अपना टीडीएस का खर्चा बुक किया तो 2 TDS पेबल, और मैंने शाम की पेमेंट टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास जमा करानी है, शाम अकाउंट डेबिट 2 TDS पेबल। छो अब शाम को 1,10,000 रुपए की पेमेंट देनी थी, 5,000 रुपए का मैंने टीडीएस काट दिया, तो अब 1,05,000 रुपए की पेमेंट मुझे शाम को करनी है। थर्ड एंट्री करी मैंने शाम अकाउंट शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक, शाम को मैंने पेमेंट करनी है अपने बैंक से, मैंने 1,05,000 रुपए की पेमेंट कर दी, और जो टीडीएस पेबल मैंने बुक किया हुआ था वो भी अपने बैंक से 5,000 रुपए पे कर दिया। तो इससे हुआ क्या, इसे हुआ क्या, जो मैंने शाम को 1,10,000 रुपए की पेमेंट देनी थी वो पूरी दे दी, गवर्नमेंट की कंप्लायंस भी पूरी कर दी। आइए अब देखते हैं, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, जीएसटी अकाउंट डेबिट 180 रुपए, 2 creditor अकाउंट 1,180 रुपए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, शाम की पेमेंट मैंने 100 रुपए टीडीएस से दे दी, 2 TDS पेबल, 100 रुपए, 10% का रेट रखा हुआ है यहाँ पे, घबराना नहीं है। पेमेंट टू पार्टी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, अब शाम को 1,180 में से 100 रुपए मिल गए तो 1,080 रुपए की पेमेंट और हो जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, मेकिंग पेमेंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, जो 100 रुपए मैंने पेबल बुक किया था टू बैंक वो मैंने बैंक से पेमेंट कर दी। आई गेस यहां तक क्लियर है आपको, थोड़ा सा टफ होता जा रहा होगा आई गेस आप लोगों को, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं आपको इजीली ये टॉपिक समझा सकें। आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, जय हिंद दोस्तों। लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट इन योर लाइफ, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything but everybody knows something, and education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.